नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ ऋतिक कपूर जी जुड़ गए। आज छोड़ गए थे हमें कल, कहाँ गए थे भाई साहब, हमें अकेला छोड़ के। आपको आदत है अकेले रहने की, तो हम खैर क्या कर सकते हैं इसमें, पर हमारे दर्शक हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमारे साथ लगातार वो जुड़ते रहते हैं। आप डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि दर्शक हमारे जितने व्यूज बढ़ाते रहते हैं ना, उससे मेरे को खुशी मिलती है, पर जय पता नहीं क्यों डिसअपॉइंटेड रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ये सब बात बोल के ना ऐसे क्या बताएं। देखो जय भाई, दुनिया ऐसी है, हंसते हुए चले जाते, मतलब नहीं होना, तकलीफ नहीं होती, दुनिया ऐसी है, बात बोल के निकल जाती है। वही बात है भाई, वो भी चली गई थी ऐसे ही छोड़ के। चलो लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैच के बारे में। लेकिन पहले, उससे पहले आपको बता दें, जो पिछला मैच हुआ था और जो हमने टीम दी थी, वो बहुत सारे पॉइंट जितवा कर गई है। और अगर आपने वो पॉइंट टीम लगाई होगी तो आपने बहुत सारे कैश प्राइज जीता होगा। पेशावर जालमी वर्सेस जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था, उसके अंदर और बाबर आजम को हमने कैप्टन बनाया था, शतक लगा दिया उन्होंने, और तो पॉइंट्स जो है वो आपके डबल हो गए होंगे वहां से भी। और उसके अलावा जितने भी हमने टॉप पिक्स दिए थे, जो भी फैंटेसी 11 दी थी, पूरी चली भाई, सब प्लेयर चले हैं ऑलमोस्ट। और हमारी जो टीम थी वो 800 प्लस पॉइंट्स के साथ थी। अभी मुझे एग्जैक्ट पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, बट स्टिल आप जाके टीम देख सकते हो। और वहां पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करोगे तो सब आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी वहां पर, ऑलरेडी लिखी हुई और अवेलेबल। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बात थोड़ा सुन लोगे तो बहुत सारे पॉइंट जीत जाओगे और पैसे भी जीत सकते हो, आगे बहुत सारे कैश प्राइज जीत सकते हो। आज कौन से मैच की बात करने वाले ये बता देते ऋतिक। और मैच नंबर 14 होने वाले पीएसएल का, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। एक टीम है जो बिल्कुल नीचे है टेबल के, पॉइंट टेबल के, जो कि है लाहौर, और सबसे ऊपर है मुल्तान। तो अब ये देखना होगा कि लाहौर ने जो अब तक खाता भी नहीं खोला है ऋतिक, वो आज क्या खाता खोल पाएगी या नहीं। और हेड टू हेड की बात कर रहे थे तो हेड टू हेड में 9-9 दोनों ने मैच जीते हैं अब तक पीएसएल की हिस्ट्री में, जितने मैचेस खेले हैं। तो यहां पे 10-9 कौन सी टीम का होने वाला है वो भी आज पता चलेगा वक्त के साथ। जो ग्राउंड है वो है गद्दाफी स्टेडियम, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ क्या है। लाहौर गद्दाफी स्टेडियम की पिच फ्लैट ही है, मतलब अगर आप आंकड़ों पे ध्यान दें तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 166 के आसपास, 165 के आसपास है, और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 146 के आसपास है। पर ये आंकड़ों पर बिलीव मत करना बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़े इस बार की पिचेस को देखते हुए और इस बार के जो स्कोर लग रहे हैं बोर्ड पर, बिल्कुल उससे विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि लगातार इस मैदान पर चेज भी हो रहा है, और जबकि चेज नहीं भी हो पा रहा है तब भी जो है स्कोर जो है चेजेबल टारगेट के आसपास जा रहा है, पहुंच रहा है। हाँ। बिल्कुल। और हाँ जरूर, बैटिंग फ्रेंडली है, विकेट है और रन्स यहाँ पर बहुत अच्छे से बनते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज ये है कि स्पिनर्स और स्लो बॉलर्स अगर अपने आप को जितना बचा सके उतना बेहतर है, इस पिच पर दूर रखें बल्लेबाज से, तो उनको सक्सेस मिल सकती है यहाँ पर। बिल्कुल, और सक्सेस मिल सकती है और ऐसी सक्सेस आपको मिलती रहेगी। अभी 11 की बात करेंगे हम, फैंटेसी 11 की बात करेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले कौन कौन से प्लेयर्स रख सकते हो आप, उसके लिए हम बात करने वाले कि टॉप परफॉर्मर्स कौन रहे, कौन से रहे हैं दोनों टीमों के बीच में। तो सबसे पहले कौन सी टीम के बारे में बताना चाहोगे, चॉइस दे देती है। देखो मैं तो लाहौर कलंदर्स के बारे में बताऊंगा, जो तीन टॉप पिक्स हैं लाहौर कलंदर्स के, फखर जमान, साहिबजादा फरहान और रासी वंडर डूसा। ओके। और मैं बताता हूँ दूसरी टीम का, जो कि है मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान के रहेंगे मोहम्मद रिजवान, रीजा हेंड्रिक्स और मोहम्मद अली। तो ये दोनों टीमों की तरफ से टॉप परफॉर्मर्स थे। लेकिन अब बात करते हैं जब हेड टू हेड आते हैं, ये 9-9 जब मैच जीते हैं दोनों टीमों ने, तो उस वक्त पे आके कौन सी टीम के प्लेयर्स ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, कौन कौन से प्लेयर्स ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, टॉप थ्री हेड टू हेड में टॉप परफॉर्मेंस कौन से रहे हैं, वो ऋतिक एक बार बताओ जरा। अब बिल्कुल, जब जब दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो दोनों टीमों में से कौन प्लेयर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी, ये तीन खिलाड़ी हैं दोस्तों। जब जब दोनों टीमें आमने सामने होती है, लाहौर वर्सेज मुल्तान होता है, जब जब ये तीन प्लेयर जो है निकल कर परफॉर्म करते हैं बहुत जबरदस्त, निकल कर परफॉर्म करते हैं, एकदम बाहर निकल जाते हैं टीम से, एकदम आउट ऑफ द लीग जाके मतलब परफॉर्म करते हैं, बॉर्डर नहीं पार कर सकते, बॉर्डर पार नहीं कर सकते भाई साहब, ना अभी नहीं, इतनी आसानी से नहीं। लेकिन बात करते हैं अब कि प्रोबेबल 11 क्या होने वाली है दोनों टीमों की। मुल्तान सुल्तान की प्रोबेबल 11 बताओगे या फिर आप लाहौर कलंदर्स की, आप जो कहो, क्योंकि आपने कल अकेले किया था तो इस वजह से मैं आपके कहने पे आज चलूं, उसके हिसाब से भाई साहब अकेले आपको करना चाहिए आज का शो। लेकिन चलो ठीक है, आप लाहौर की बता दो। ठीक है, लाहौर की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी है प्रोबेबल। फखर जमान, साहिबजादा फरहान, रासी वेंडर डूसा, शाय होप विकेटकीपर बल्लेबाज, सिकंदर रजा, एहसान भट्टी, कार्लोस ब्रैथवेट, जहादाद खान, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, मोहम्मद इमरान और जमान खान। तो ये थी लाहौर की प्रोबेबल 11। और अब चलते सीधा मुल्तान सुल्तान की प्रोबेबल 11 की तरफ, कि क्या होगी मुल्तान की टीम और किस तरह से दिख सकती है वो टीम। मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर और कप्तान, उसके साथ उस्मान खान, रीजा हेंड्रिक्स, तैयब ताहिर, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, डेविड वीली, उसामा मीर,
अफताब इब्राहिम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली। तो ये थी मुल्तान सुल्तान की प्रोबेबल 11। और अब ये 22 प्लेयर जो हैं, इनमें से बेस्ट 11 कौन से हो सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स जितवा कर देंगे और कैश प्राइस भी, तो वो हम बात करने वाले हैं। अब आपकी जो फैंटेसी 11 बनने वाली है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पेशेंस पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस। ऋतिक भाई जरा बता दो हमारी ऑडियंस को। तो दोस्तों, आपको जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, यानी फैंटेसी 11 का, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो फैंटेसी 11 विकेट कीपर्स में हमने चुना है मोहम्मद रिजवान को, फिर बल्लेबाजों में रीजा हेंड्रिक्स, रासी वेंडर डूसेन, फखर जमान, ऑलराउंडर्स में हमने सिकंदर रजा को चुना, और गेंदबाजों में डेविड विली, उसामा मीर, शाहिन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी, जमान खान और मोहम्मद अली को हमने यहां पर चुना है। कप्तान और वाइस कैप्टन की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कप्तान हमारे मोहम्मद अली हैं और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान। तो जय हमारे कप्तान हैं मोहम्मद अली और वाइस कैप्टन है हमारे मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर बल्लेबाज तो है। आप इन दोनों को कैसे देख रहे हो जो हमारी पिक्स है? भाई साहब बहुत सही पिक्स है, और मोहम्मद अली जिस तरह से गेंदबाजी करते जा रहे हैं, पिछले मैच में भी 3 विकेट्स निकाली थी और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो अगर यहां पर भी विकेट टेकिंग गेंदबाजी करते हैं तो पॉइंट्स ऑफकोर्स आपको ला के देंगे, और फॉर्म में भी है तो आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये ऑब्वियसली बात है। और मोहम्मद रिजवान यार डिपेंडेबल बल्लेबाज है, हर मैच में ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी टीम के लिए, और कप्तान भी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भाई मैं इस टीम को आगे पार लगाऊंगा और रन्स बनाऊंगा, और उसी के चलते हमने उनको वाइस कैप्टन बनाया कि रन्स जो है और ज़्यादा मिलेंगे, और जब ज़्यादा मिलेंगे रन्स तो पॉइंट्स भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर वाइस कैप्टन बना रखा होगा, तो इसलिए हमने उनको वाइस कैप्टन बनाया। और ये हमारी फैंटेसी 11 थी, आप इसको लगाएं और ढेर सारे कैश पॉइंट्स जीतें और रिवॉर्ड पॉइंट्स जीतें। और उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सीजी फैंटेसी शो के नाम से है, क्योंकि वहां पे जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होते हैं ना वहीं पर आएंगे आपको, कि टॉस के बाद कोई मान लो कि कोई प्लेयर चेंज हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है, तो उसकी जगह पे कौन सा प्लेयर आपको रखना है आपके फैंटेसी 11 में, ये सारा कुछ आपको लास्ट मिनट अपडेट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे सीजी फैंटेसी शो के, तो उसको ज्वाइन करे बिना मत जाना। और उसके साथ साथ एक और चीज कर देना, वो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो, लाइक, और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि सारी वीडियोस आती रहती है आपको टाइम से, और सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं, अच्छी अच्छी फैंटेसी टीम्स जो हम बनाते रहते हैं आपको देते रहते हैं, और आप ढेर सारे पॉइंट जीते रहते हैं, तो यार मतलब इतना तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को के नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि जब भी कोई आए वीडियो तो आपको पता चल जाए और आप उस वीडियो से वंचित ना रहें। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।